बसमीम क्वेश्चन uh, है जी वट्स द पर्पज़ ऑफ स्पीड हम्प ची एंड नैरग कि ये जो रोड में ना स्पीड बम्स बने होते हैं उनका क्या मतलब है या बाज़ कर ना वो उन्होंने रोड पे ना थोड़ा सा वो उन्होंने नैरविंग की थी कि तंग की थी रोड है ठीक है जी वैसे बना के ना कर्ब से तो उसको थोड़ा नैरो किया होता रोड को तो इस इन चीज़ का क्या मकसद है नंबर वन टू रिड्यूस ट्रैफिक स्पीड कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ी स्लो जाए ठीक है टू अलाउ पेडिस्टन टू क्रॉस या कि पेडिस्टन क्रॉस कर सकें टू सेपरेट लेन ऑफ ट्रैफिक या कि जो आमने सामने से ट्रैफिक आ रही है ना वो आपस थोड़ा थोड़ा दूर होकर निकले टू इंक्रीज ट्रैफिक स्पीड या कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ी तेज जाए स्पीड उसकी तेज हो ठीक है जी तो ज़्यादा स्पीड बम्स मतलब जब बम्प होंगे तो बंदा क्या करेगा थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रीट्स में होगा जिधर बंदे रहते हैं ठीक है रेजिडेंशियल एरिए ठीक है जी सो टू रिड्यूस द ट्रैफिक स्पीड हाउ विल ए रूफ रैक अफेक्ट योर कार रूफ रैक जो गाड़ी के ऊपर वो उन्होंने रखा होता ना डब्बा सा बड़ा सा वो मतलब कैसे ना आपकी गाड़ी को अफेक्ट करता उसका क्या असर होता देर विल भी लेस वॉइज उससे ना हवा का जो नॉइज है वो कम होगा हवा की आवाज़ द इंजन विल यूज़ मोर ऑयल या कि इंजन ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा ठीक है वो तो ऑयर ऑयल तो आप उस वह चेंज करते जब आप सर्विस करवाते जब कभी कभार आगे पीछे आप चेंज करवा लेते दार विल एक्सिलेट फास्टर या कि जो गाड़ी है वो स्पीड तेज़ पिक करेगी फ्यूल कंजम्पन विल इंक्रीज ठीक है या कि इससे क्या होगा कि जो फ्यूल आपका यूज हो रहा है ना फ्यूल कंजम्पन कंजम्पशन मतलब जो आप इस्तेमाल करते फ्यूल वो ज्यादा इस्तेमाल होगा विल इंक्रीज ठीक है <coughs> कैसे आपकी गाड़ी ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर क्योंकि उसमें क्या होगा वेट होगा ठीक है तो जितना वेट होगा इतना गाड़ी को ज्यादा मतलब आ, आ, हार्ड काम करना पड़ेगा इंजन को तो उससे आपका फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल होगा ठीक है वट डज इट मीन इफ दिस लाइट कम्स ऑन वाइल यू आर ड्राइविंग कि ये लाइट अगर ऑन हो गई है जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है ए फोल्ट इन द ब्रेकिंग सिस्टम कि आपकी जो ब्रेक है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है उसमें खराबी आ गई है ए रेयर लाइट हैज़ फेल्ड या कि जो पीछे आपकी लाइट होती है ना रेयर होता है बैक को बोलते हैं पिछली लाइट ये कोई पीछे जो लाइट है उनमें से कोई लाइट खराब हो गई है द इंजन ऑयल इज लो या कि आपका इंजन ऑयल है वो कम हो गया इंजन ऑयल का तो वो दूसरा साइन होता ठीक है आ, योर सीट बेल्ट इज एंड फास्ट या कि आपका ना सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया हुआ ठीक है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ ठीक है तो सीट बेल्ट का भी दूसरा बिल्कुल वो ऐसे आपको क्लियरली पता लग जाएगा ठीक है तो ये है जी ए फोल्ट इन ब्रेकिंग सिस्टम की आपकी जो ब्रेक है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है ठीक है जी वट विल रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन ठीक है कि ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका फ्यूल कम इस्तेमाल हो ठीक है नंबर वन फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल आपका कम इस्तेमाल हो ठीक है जब कम इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा पैसे बचेंगे ड्राइव मोर स्लोली कि गाड़ी ना अपनी आस्था चलाएं एक्सिलोरेट रैपिडली या कि गैस तेज दबाएं ठीक है मतलब वो आपने देखा होगा कि बंदेबाज का तेज़ गैस दबाते है, ठीक है गैस स्पीड पिक करती गाड़ी है स्टे इन लो गेयर या कि ना गाड़ी को लो गेयर में चलाएं ठीक है मतलब पहला दूसरा ठीक है लेट एंड हैवी ब्रेकिंग या कि ना लेट ब्रेक लगाए और जरा जोर से ब्रेक लगाए ठीक है तो जितना स्मूथली आप करेंगे ना इतना क्या होगा फ्यूल कम इस्तेमाल होगा जैसे खुद ही बंदा अगर काम कर का रहा हो तो जोर से लगा के ऐसे पागलों की तरह शुरू हो जाए तो बंदा जल्दी थक जाता और अगर आराम से काम करेंगे तो बंदा ज्यादा देर आ, काम कर का सकता थकता कम है ठीक है तो गाड़ी भी अगर आप आराम से चलाएंगे तो उसका फ्यूल कम इस्तेमाल होगा वट इज इको सेफ ट्राइविल अचीव कि इको सेफ ड्राइविंग मतलब क्या अचीव करती इससे क्या फ़ायदा होता इको सेव होता कि आप ना आराम से स्पीड इंक्रीज कर रहे ब्रेक अर्ली ब्रेकिंग कर रहे ठीक है शार्प स्टेयरिंग नहीं कर रहे ठीक है मतलब वो ऐसे पागलों की तरह ड्राइव नहीं कर रहे तो अगर आराम से ड्राइव करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा इंक्रीज एग्जॉस्ट मिशन एग्जोस्ट मिशन तो हो गया कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है और इंक्रीज का मतलब हो गया ज़्यादा कि क्या इसे गाड़ी में से धुआं ज़्यादा निकलेगा लेकिन वो तो धुआं नहीं ना निकलेगा कम निकलेगा ठीक है क्योंकि आराम से ड्राइव करेंगे डैमेज टू इन्वायरमेंट कि या इसे फ़जा को आलूदगी होगी फ़जा में फ़ाईाई में आलूदगी तो नहीं होगी ठीक है क्योंकि आराम से ड्राइव करे इम्प्रूव रोड सेफ्टी या कि जो रोड सेफ्टी है वो ज़्यादा बेहतर होगी ठीक है नुकसान होने का ख़तरा कम, कम है एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा कम है ठीक है इंक्रीज फ्यूल कंजम्पन या कि आपका फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा ठीक है सो so, आराम से ड्राइव करेंगे तो फ्यूल कम इस्तेमाल होगा ज्यादा नहीं होगा सो so, जी इम्प्रूव रोड सेफ्टी ठीक है सो रोड पे ज्यादा मतलब सेफ रहेंगे आप भी बाकी बंदे भी ज्यादा सेफ रहेंगे वाई इज इट ए गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी टू अवॉइड बिजी टाइम कि मतलब आपने कहीं जाना तो ये क्यों बेहतर है कि आप ऐसा टाइम चूज करें जब ट्रैफिक कम हो ठीक है वाई इज़ इट गुड आइडिया टू प्लानोर जर्नी की ये क्यों बेहतर आइडिया कि आप अपना सफ़र उस वक्त आ, प्लान करें टू अवॉइड बिजी टाइम की आप बिज़ी टाइम को ना अवॉइड करें ठीक है कि मतलब जब बिजी ना हो उस वक्त जाएँ नंबर वन योर जर्नी टाइम विल बी लॉन्गर इसे क्या होगा कि आप जिन जाना ना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा यू विल हैव एन ईजियर जर्नी या कि इससे ईजी जर्नी होगा ठीक है अब ट्रैफिक नहीं होगी तो ज़्यादा थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल होगा क्या ट्रैफिक होती तो फिर गुजरना वरना थोड़ा स्ट्रेस हो जाता ट्रैफिक में टाइम ज़ाया हो रहा ठीक है नंबर टू यू विल हैव मोर स्ट्रेसफुल जर्नी या कि आपकी जर्नी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी फोर है जी इट विल कोज मोर ट्रैफिक कंजेशन या कि इससे क्या होगा कि आप ना ज़्यादा ट्रैफिक जाम में फंसेंगे ठीक है या आपकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा uh, कि अगर आप ना uh, जो टाइम बिजी नहीं है उसमें ट्रैवल करेंगे ठीक है जी तो अगर आप ऐसे टाइम को चूज करें जब ट्रैफिक कम है तो क्या होगा यू विल हैव एन है जर्नी ठीक है कि आपका सफर आराम से गुजरेगा वट शुड यू रिमूव फ्रॉम योर कार बिफोर लीविंग इट अन अटेंडेड मतलब आपने गाड़ी पार्क करनी है पार्क करके आपने घर जाना या कहीं जाना मतलब अपनी गाड़ी को छोड़ देना उधर तो कौन सी चीज़ है जो आपको ना लाजमी रिमूव करनी चाहिए वाट शुड यू रिमूव आपको क्या रिमूव करना चाहिए फ्रॉम योर कार अपनी गाड़ी से बिफोर लीविंग इट ऑन अटेंडर की जब आप उसको ना छोड़ रहे कर रहे तो क्या आपको ना अपनी गाड़ी से निकाल लेना चाहिए द कार डीलर्स डिटेल्स के जो गाड़ी जिससे आपने ली ना जो गाड़ियाँ बेचते जो उनकी डिटेल डिटेलें गाड़ी में पड़ी हुई वो निकाल लें ऑनर्स मैनुअल या कि जो गाड़ी की बुक होती वो निकाल लें बुक मतलब जैसे आप कोई चीज़ लेके आते टी वी फ्रिज या कोई भी ना तो उसके साथ ना एक बुक आती बुक में उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती ठीक थी। है तो गाड़ी की भी इसी तरह एक बुक होती जिसमें वो सारा लिखा होता है उसके बारे में ठीक है दे सर्विस रिकॉर्ड या कि ये पे बुक होती छोटी सी जिस जिसपे जब भी आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाएं या ठीक करवाएं तो उस पर आप स्टैंप लगवाते द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या कि ना वो पेपर जिन पे गाड़ी की सारी डिटेल है आपकी डिटेल है जैसे ना लॉग बुक जिसको बोलते तो वो आप निकाल लें ठीक है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ठीक है वो अगर गाड़ी अल्लाह ना करे चोरी हो तो पेपर भी फिर साथ ही जाएगा आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा ठीक है तो इसलिए वो निकाल लें ठीक है जी हाउ मच मोर फ्यूल विल यू यूज बाई ड्राइविंग एट सेवेंटी माइल एन आवर compared with ड्राइविंग एट फिफ्टी माइल एन आवर कि अगर आप सेवनटी माइल पे ड्राइव करें तो आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फ्यूल बदनसबत की अगर आप फिफ्टी माइल स्पीड पे ड्राइव करें क्योंकि क्या होगा कि जितना तेज़ ड्राइव करेंगे इतना ज़्यादा जोर लगेगा गाड़ी का इतना ज़्यादा इस फ्यूल इस्तेमाल होगा ठीक है अगर फिफ्टी से जा रहे हैं तो गाड़ी का कम पावर इस्तेमाल हो रही तो आराम से गाड़ी जा रही और स्पीड सॉरी फ्यूल कम इस्तेमाल हो रहा लेकिन सेवनटी जाएंगे तो ज़ाहिर आपको थोड़ा गाड़ी को जरा ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी ठीक है जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता तो कितना फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता जी फिफ्टीन uh, परसेंट ठीक है कि आराम से गाड़ी चलाएं तो आप थोड़ा uh, सेव कर सकते पैसे भी और फ्यूल भी वट शुड यू डू आपको क्या करना चाहिए इफ़ योर व्हीकल पुल टू वन साइड आपकी गाड़ी ना जब आप ना वेन यू यूज द ब्रेक जब आप ब्रेक लगा रहे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी आपको ना एक साइड पे पुल कर रही है ठीक है तो इसका क्या मतलब है वट शूड यू डू आपको क्या करना चाहिए इफ योर व्हीकल पुल टू वन साइड वेन यू ब्रेक इनकी जब आप ब्रेक लगा रहे तो ऐसा फील होता है कि आपकी गाड़ी एक साइड के पे ना आपको पुल करती ठीक है तो ये ऐसा क्यों है नंबर वन हैव ब्रेक चेकड एज सुन एज पॉसिबल क्या आप अपनी ना ब्रेक चेक करवाएं गैरेज में ले जाएं गैरेज वाले को बोलें कि वो आपकी ब्रेक चेक करे कि ब्रेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हैव योर पार्किंग ब्रेक एट द सेम टाइम यूज योर पार्किंग ब्रेक एट द सेम टाइम ये आगे ना अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक दोनों सेम टाइम पे लगाएं लेकिन मूव करती गाड़ी की हैंड ब्रेक तो नहीं लगानी चाहिए ठीक है नंबर थ्री चेंज गेयर एंड पम्प तो ब्रेक पैडल कि गेयर चेंज करके ना ब्रेक को बजाय इसी क्या वो आप लगा के रखें उसको ना पम्प करें दबाएँ छोड़ दें फिर दबाएँ फिर छोड़ दें ठीक है जी लास्ट uh, जी इंक्रीज द प्रेशर इन योर टायर या कि अपने टायर प्रेशर इंक्रीज़ कर लें उसमें थोड़ी और हवा भर लें ठीक है जी uh, हर हाँ टायर का ना एक नंबर होता है कि आप उसमें ना इतनी हवा भर सकते उससे कम होगी तो फिर भी सही नहीं है तो ज़्यादा ज़्यादा कर देंगे तो वो भी सही नहीं है ठीक है तो इसको क्या करें आप अपना टायर प्रेशर इंक्रीज कर लें ठीक है so, सो इसका करेक्ट आंसर है जी हैव द ब्रेक चेक एज सुन एज पॉसिबल ये क्वेश्चन क्या था अगर आपकी गाड़ी ब्रेक लगा रही तो एक साइड पे पुल कर रही ठीक है पता लग रहा है कि आपकी गाड़ी ना एक साइड पे मूव होती है तो क्या करना चाहिए ब्रेक चेक करनी चाहिए वाई हैव रेड रूट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मेजर सिटीज रेड रूट क्यों ना मेजर सिटी जो बड़े शहर हैं वहाँ रेड रूट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया रेड रूट होता है कि जो लाइंस ना लगी होती ना साइड पे येलो लाइन नहीं जाती होती कर्व के साथ साथ तो उसकी बजाय ये रेड लाइन होगी ठीक है तो उसको रेड रूट बोलते तो उसको वो क्यों बड़े सिटीज़ में ना इंट्रोड्यूस करवाया गया नंबर वन टू अलाउ लारी टू लोड मोर फ्रीली कि लारियाँ वहाँ ना आराम से ना तो लोड हो सके ठीक है कि जिधर मर्जी दिल करे वो खड़े होके सामान पिक उठा सके टू प्रोवाइड बेटर पार्किंग या कैसे ये होगा कि पार्किंग बेहतर होगी लेकिन उस जगह पे तो पार्क कर नहीं सकते जिध रेड रूट हो ठीक है ज्यादातर अगर हाँ कोई टाइम लिखा तो इजाज़त भी हो सकती है कि आप पार्क कर सकते किसी टाइम पे टू रेज द स्पीड लिमिट या कि स्पीड लिमिट ज़्यादा हो टू हेल्प द ट्रैफिक फ्लो या कैसे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो बेहतर मतलब मूव करेगी जल्दी मूव करेगी ट्रैफिक मतलब जैम नहीं होंगे ठीक है ट्रैफिक फ्लो जो है वो बेहतर होगा ठीक है तो रेड रूट का मतलब यही है कि आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते जब गाड़ियां पार्क नहीं होंगी ना तो फिर क्या होगा कि जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो जल्दी मूव करेगी ठीक है ट्रैफिक जल्दी क्लियर होगी क्योंकि अगर वो गाड़ियां पार्क होंगी तो फिर हो सकता है वो कहीं ना कहीं फंस चे ठीक है जी सो टू हेल्प द ट्रैफिक फ्लो हैव हाउ कैन ड्राइविंग इन एन इको सेफ मैनर हेल्प प्रोटेक्ट द इनवायरमेंट कि अगर आप सेफ ड्राइव कर रहे ठीक है तो इससे फ़जा कैसे ना मतलब प्रोटेक्ट हो सकती उसकी कैसे हिफाजत हो सकती ठीक है कि तो मतलब फजाई आलूगी से कैसे बच सकते ठीक है इको uh, सेफ़ तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मतलब थोड़ा ना आराम से गाड़ी ब्रेक ब्रेकें आराम से लगाएं स्पीड आराम से इंक्रीज करें एकदम से ना करें ठीक है बाई रिड्यूसिंग एग्जोस्ट अमीशन कि इससे क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है ना वहाँ से अमीशन जो दूंगा निकलता वो कम निकलेगा तो अगर धुआं कम निकलेगा तो क्या होगा इससे कि इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ रहेगा ठीक है जी नंबर टू थ्रू द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड रेगुलेशन ठीक है या कि क्या कर सकते हैं कि आप ना जो लीगल तो इन्फोर्स करते हैं ना मतलब स्पीड इतनी हो कि थर्टी से ज़्यादा नहीं कर सकते ठीक है या कहीं जगह कोई पुलिस की वैन खड़ी होती जो स्पीड चेक करती रहती ठीक है या कैमरे लगे होते ठीक है तो उन चीज़ों के जरिए वो आपको इन्फोर्स करें कि आप अपनी स्पीड ना लीगल स्पीड चलाएं ठीक है नंबर थ्री है जी बाय इंक्रीजिंग द मैनर सॉरी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड या के क्या करेंगे जितनी ज्यादा गाड़ियाँ का रोड पे होंगी इतना ज्यादा जो फ़जा है वो महफूज रहेगी ठीक है सेहतमंद रहेगी फ़जा जैसे आप कह सकते या थ्रू इंक्रीज फ्यूल बिल्स या के फ्यूल बिल इस्तेमाल करें ज्यादा ठीक है ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करें ताकि आपका बिल ज्यादा आए तो इससे क्या होगा जो है फिज़ा है जो वो सही रहेगी ठीक है जी सो हाउ कैन ड्राइविंग इन एन इको सेफ मैनर प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ठीक है कि कैसे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते है? जब आराम से गाड़ी चलाएंगे गाड़ी का धुआं कम निकलेगा जब धुआं कम निकलेगा तो रोड आ, जो है वो सॉरी जो फ़िज़ा है वो आलूदा नहीं होगी बाई रिड्यूसिंग एग्जॉस्ट एमिशन वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू वेयर सूटेबल शूज़ वन यू आर ड्राइविंग कि जब आप ड्राइव करें तो क्यों ये बेहतर है ज़रूरी है कि आप ना कम्फर्टेबल शूज़ पहने ठीक है क्योंकि आपने ड्राइव करनी तो अगर कंफर्टेबल शूज़ नहीं होंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली ड्राइव सही से नहीं कर सकेंगे तो नंबर वन है जी टू एनेबल यू टू वॉक असिस्टेंस इफ़ यू ब्रेक डाउन कि अगर आपकी अल्लाह न करे गाड़ी ख़राब होगी तो ये होगा कि आप कितने कहीं मदद किसी से मांगनी तो आपके लिए वॉक करना जाना इजी होगा ठीक है कि शूज़ इसलिए आप अच्छे से पहने नंबर टू टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द पैडल या कि अगर शूज़ आपके सही होंगे कंफर्टेबल होंगे तो क्या होगा कि आप जो पेडल है जो क्लच ब्रेक और गैस है वो सही से कंट्रोल कर सकेंगे टू प्रिवेंट वेयर टू द ऑन पैडल्स या कि जो पैडल है ना जो ब्रेक क्लच और गैस है ठीक है उनको पैडल बोलते हैं ना कि वो क्या होगा कि अगर आप अच्छे शूज़ पहनेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे प्रिवेंट वेयर ठीक है वेयर होता कि जो आहिस्त आहिस्ता चीज़ ख़त्म हो जाती ठीक है रगड़ लाग लाग के ठीक है तो प्रिवेंट होना कि वो नहीं होगा ऐसा ठीक है कि आपके पैडल ख़राब नहीं होंगे नंबर फोर टू तो एनेबल यू टू तो एडजस्ट योर सीट ठीक है या कि इससे क्या होगा कि आप अपनी जो सीट आपने एडजस्ट करनी ना आगे पीछे वो आप आराम से सही से कर सकेंगे ठीक है जी सो वाई इज ए इम्पॉर्टेंट टू वेयर सुटेबल इशूज वेन यू आर ड्राइविंग टू मेनटेन कंट्रोल आफ दर पैडल के आपका कंट्रोल जो है वो सही होगा वाट मे हेल्प टू डिटे अफ फ्रॉम स्टीलिंग योर कार कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करें ना जिससे ना जो अगर कोई चोरी करने आएगा आपकी गाड़ी तो वो उससे बाज रहेगा ठीक है तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करेंगे तो क्या होगा आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी नंबर वन इचिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर टू द विंडो के विंडो के साथ ना छोटा सा नंबर वो मिलता स्टिकर सा वो लगा लें ठीक है आ, किसी सिक्योरिटी कंपनी से या जिस तरह भी ठीक है तो वो लगा लें स्क्रीन अब अप, अपना जो विंडो है ना ठीक है दोनों साइड के विंडो पे लगा लें क्योंकि क्या होता है कि वो उतारना मुश्किल होता जो आपकी नॉर्मल नंबर प्लेट है ना वो अगर कोई गाड़ी चोरी करे वो आपकी नंबर प्लेट एक मिनट में उतार के तो चेंज कर सकते हैं ठीक है लेकिन वो जो स्टिकर है वो चेंज नहीं होगा फिटिंग रिफ्लेक्टिव ग्लास विंडो या कि जो है ना आपके जो विंडोज हैं वो रिफ्लेक्टिव ग्लास वाले लिखाए ठीक है, है ताकि मतलब बाहर जो से जो बंदा है ना उसको अंतर नज़र ना आए ऑलवेज कीपिंग द इंटीरियर लाइट ऑन या कि जो गाड़ी के अंदर लाइट होती है ना उसको हमेशा ऑन रखें लास्ट है जी ऑलवेज कीपिंग द हेड लाइट ऑन या कि हमेशा ना हेडलाइट ऑन रखे लेकिन ज़रा वो तो ऑन नहीं रख सकते वो तो बैटरी खत्म हो जाएगी ठीक है तो बाई इचिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द विंडो ये नंबर जो है ये अपनी विंडो पे लगा लें क्योंकि वो उतारना मुश्किल होता तो फिर क्या होगा कि आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी वट कैन पीपल यू लिव ओवर इन टाउन एंड सिटीज डू टू हेल्प रिड्यूज अर्बन पोल्यूशन लेवल ठीक है कि जो बंदे सिटीज या टाउन में काम करते ठीक है तो वो कैसे ना सिटीज की ना पल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकते ठीक है नंबर वन वो को साइकिल के अगर वो सिटीज़ में ही रहते तो कोशिश करें कि वो पैदल चले जाए ठीक है कोई शॉर्ट जर्निंग है या फिर साइकिल से चले जाए बजाय वो कार इस्तेमाल करें ड्राइव शॉर्ट जर्नीस या कि आप ना शॉर्ट जर्नी करें मतलब जिधर भी जाना बेशक थोड़ी दूर या क्या करें आप गाड़ी लेके जाएं तो इससे फिजा महफूज रहेगी ओवर रेफ इन लोव गेयर या कि जो लो गेयर है ना उसमें ज़्यादा गैस दबाएँ ठीक है रेफ होता कि आप ना वो अपनी ना गैस पेडल दबा रहे ठीक है उसको बोलते हैं रेफ ड्राइव मोर क्विकली या कि तेज़ ड्राइव करें ठीक है जितना तेज़ ड्राइव करेंगे इतना फजा में आलूदगी कम होगी ठीक है सो so, जो बंदे वट कैन पीपल हु लिव ओव इन टाउन ठीक है एंड सिटीज़ के जो बंदे सिटी और टाउन में काम करते हैं ड्यू टू हेल्प रिड्यूस अर्बन पोल्यूशन लेवल के जो पोल्यूशन है उसको कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं ठीक है सो so, वो ओ साइकिल के पैदल चले जाए या या साइकिल से चले जाए ठीक है क्योंकि फिर इसका ज़्यादा धुआं नहीं होगा गाड़ी जितनी चलाएंगे ज़्यादा धुआं होगा पोल्यूशन होगा क्वेश्चन थर्टी फाइव हाउ वुड अंडर इन्फ्लेटेड टायर अफेक्ट योर कार के आपकी गाड़ी के जो टायर हैं अगर उनमें हवा कम है तो वो कैसे आपकी गाड़ी को अफेक्ट करेंगे ठीक है कि अगर आपने हवा कम भरी हुई है ठीक है सही हवा नहीं भरी तो इससे क्या होगा नंबर वन व्हीकल द व्हीकल्स गियर चेंज मैकेनिज्म वुड बिकम स्टिफ कि जो आप गियर चेंज करते हैं ना वो जरा स्टिफ हो जाएगा सख्त हो जाएगा ठीक है आ, लेकिन टायर का तो उससे तल्ला ही नहीं है द व्हीकल Will aim, will aim high. या जो आपकी हेड लाइट है ना वो मतलब सीधी आगे जाएंगी है क्योंकि ना उसके ना रुख रोड की साइड भी होता थोड़ा दूर करके ना ताकि आपको रोड सही से नजर आज वो बिल्कुल सीधा हो तो वो आगे आपको रोड नजर आने के बजाय वो लाइट दूर चली जाए ठीक है और उससे तो जो आ रहे बंदे उनको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको नजर नहीं आएगा सही से फिर द व्हीकल्स स्टॉपिंग डिस्टेंस वुड इनक्रीज कि जो गाड़ी रुक रही ना वो इंक्रीज होगा ज्यादा देर के बाद रुकेगी ठीक है मतलब जैसे नॉर्मली कितना रुकता टू सेकंड तो इससे क्या होगा गाड़ी तीन सेकंड या चार सेकंड गैप पे जाके रुकेगी ठीक है द रेट ऑफ व्हीकल्स इंडिकेटर वुड इंक्रीज या कि जो इंडिकेटर जब आप लगाते तो वो फ्लैश कर रहे होते ना ठीक है तो फिर इससे क्या होगा कि वो तेज फ्लैश करेंगे वो ज्यादा फ्लैश करेंगे ठीक है सो क्वेश्चन है जी हाउ वुड अंडर इनफ्लेटेड टायर अफेक्ट यूर व्हीकल ठीक है कि वो कैसे इसको अफेक्ट करते so, अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है तो वो आपकी गाड़ी को कैसे The vehicle stopping distance would increase, ठीक है? कि गाड़ी ज्यादा देर रुक, बाद रुकेगी अगर आप उसमें उसको रोकना ना यू आर हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग पार्किंग स्पेस इन ए बिजी टाउन क्या आप किसी बिजी टाउन में और वहाँ ना आपको ना पार्क करने की जगह नहीं मिल रही ठीक है मुश्किल हो रही जगह नहीं मिल रही कैन यू पार्क ऑन द जिग जैग लाइन ऑफ जैबरा क्या आप ना क्रॉसिंग की जिग जैग लाइन पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते नंबर वन यस इफ यू डोंट ब्लॉक पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग हाँ अगर आप बंदे जो जिन्होंने क्रॉस करना है उनको ब्लॉक नहीं ना करें तो फिर आप ना पार्क कर सकते गाड़ी नो नॉट ऑन यू स्टे विद योर कार हाँ कि नहीं पार्क वैसे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के साथ रहें तो फिर खैर है ठीक है नंबर थ्री नो नॉट अंडर एनी सरकमस्टांसिस नहीं कभी भी नहीं कर सकते ठीक है किसी सिचुएशन में भी नहीं कर सकते लास्ट जी इज़ यस इन ऑर्डर टू ड्रॉप ऑफ ए पैसेंजर हाँ अगर आपने किसी पैसेंजर को ड्रॉप करना तो फिर क्या कर सकते अपनी गाड़ी पार्क कर सकते तो जिक जैग लाइन का मकसद असल यही होता है कि आप गाड़ी पार्क ना करें क्योंकि गाड़ी पार्क करेंगे तो अगर किसी बच्चे ने क्रॉस करना तो उसको गाड़िया गा, दूसरी साइड पर नजर ही नहीं आएगी इसी तरह ना ही वो बच्चा गाड़ी वालों को नजर आएगा इसी तरह व्हील चेयर भी नजर नहीं आएगी तो जिक लाइन पे कभी पार्क ना करें ठीक है जी चलो जी क्वेश्चन थर्टी सेवन द पर्पस ऑफ कैटलग कन्वर्टर ये जो कैटलग कन्वर्टर है इसका क्या मकसद है ये आपके ना एग्जॉस्ट पे लगा होता तो गाड़ी के नीचे ठीक है ये एग्जॉस कनेक्ट एक होता और इंजन से तो इसका क्या मकसद है नंबर वन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर के इससे ये होगा कि आग नहीं लगेगी आग लगने का खतरा कम हो जाएगा टू रिड्यूस इंजन बेयर या कि सिर्फ आपका जो इंजन है वो खराब नहीं होगा टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन या कि जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो क्या होगा कम इस्तेमाल होगा या टू रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेज या कि इससे क्या होगा कि जो आपका धुआं निकलता है ना ये धुएं को ना क्लीन करके ना निकालता पाइप ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो आपका धुआं है जो हार्मफुल है ठीक है बीमार कर सकता बंदों को उसको क्या करेगा ये कम करेगा ठीक है उसको थोड़ा क्लीन करता ठीक है सो so, कैटलग कन्वर्टर का क्या मकसद है टू हेल्प हार्मफुल सो टू रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट कैसेज ठीक है कि जो एग्जॉस्ट चीज़ धुआं निकलता ना उसको कम करे इसका ये मकसद है क्लीन करेगा धुएं को ठीक है वट कैन कोज एक्सेसिव अन टायर वेयर ठीक है कि कौन सी ऐसी चीजें जो क्या होगा कि जो टायर है ना वो आपके जिससे आ, लेवल नहीं रहेंगे और जल्दी खराब होंगे ठीक है कि वो कौन सी ऐसी चीजें जो आप करेंगे तो आपके टायर जल्दी खराब होंगे नंबर वन ए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब है तो उससे आपके टायर जो वो लेवल नहीं रहेंगे ए फॉल्ट ब्रेकिंग एफॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम या कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना जो आप ब्रेक लगाते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे जो टायर है वो जल्दी ख़राब होंगे ए फोल्टी गेयर बॉक्स या कि अगर आपका गेयर बॉक्स जैसे वो गेयर चेंज करते ना पहला दूसरा तीसरा ठीक है उसमें अगर प्रॉब्लम है एफॉल्टी तो एग्जोस्ट सिस्टम जो है अगर उसमें प्रॉब्लम है ठीक है सो so, कौन सी ऐसी चीज है जिसके जो अगर हो तो क्या होगा कि आपकी जो है ना टायर वो जल्दी खराब होंगे ठीक है? फोल्टी ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है कि अगर ब्रेक खराब है ना ठीक है तो फिर टायर भी जल्दी खराब हो सकते वट लाइटली टू है इफ यू पुट टू मच ऑयल इन योर इंजिन कि गाड़ी में गाड़ी के इंजन में जो ऑयल डालते हैं ना अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो इससे क्या होगा ठीक है नंबर वन द टाइमिंग बेल्ट विल स्लिप कि जो गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट वो स्लिप होगा तो ऑयल सील विल लीक या कि जो इंजन में होता ना ऑयल यार वो बंद की क्या होता तो सील लगी होती तो वो क्या होगा लीक हो जाएगी उससे ठीक है तो uh, क्लच पैडल विल लॉक या कि जो आपके जो क्लच है ना वो लॉक हो जाएगा मतलब आप उसको प्रेस नहीं कर सकेंगे या अगर प्रेस कर दिया तो ऊपर नहीं आएगा ठीक है लास्ट uh, है जी द एयर इन टेक विल बिकम ब्लॉकड या कि जो हवा आती ना ठीक है वो क्या होगी बंद हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी ठीक है जी सो क्वेश्चन क्या था व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ यू पुट ट्यू मच ऑयल इन योर कार इन योर इंजन की अगर आपने इंजन में ज्यादा तेल इस्तेमाल कर दिया तो इससे क्या होगा तो ऑयल सील विल लीक ठीक है कि जो ऑयल की सील है वो हो सकता है लीक कर जे लीगल मिनिमम थ्रेड डेप्थ ऑफ टायर ऑन योर ट्रेलर ओ कारवान ठीक है जो कारवान या ट्रेलर है उसकी कितनी मतलब टायर में ना थ्रेड डेप्थ होना चाहिए थ्रेड डेप तो हमने पिछले किया था कि जो लाइन में वो लाइंस सॉरी टायर में जो लाइंस लगी होती है ना ठीक है उनको बोलते थ्रेड डेप ठीक है तो इंग्लैंड में कितना है जी मिनिमम सिक्स ठीक है जी कि कम से कम इतना होना चाहिए ये लीगल है चले जी थैंक यू वेरी मच जिन दोस्तों ने टाइम निकाला हमारी इस वीडियो को देखा आप सबका शुक्रिया आपने सब्सक्राइब ज़रा किया होगा तो आपका शुक्रिया अल्लाह करे आप अपना टेस्ट जल्दी जल्दी पास हो सके ठीक है जी अपना ख्याल रखें बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में